मैं हूँ प्रज्ञा मिश्रा और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा यू सी। पकौड़ी रोजगार, वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर बनाते बनाते, मोर नचाते नचाते, ताली बजाते बजाते और देसी नस्ल के कुत्ते पालते पालते विकास की लंका लग गई है। सरकार ने इसे एक्ट ऑफ गॉड बताया है, मतलब भगवान की मर्जी। कहा गया था कि जीडीपी को डबल डिजिट में लेकर जाएंगे, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे। अब सरकार का डबल डिजिट वाला सपना पूरा हो चुका है, विकास -23 की गर्त में है। शाम को सरकारी संध्या भजन उस कार्यक्रमों में चीन को घुस कर पीटने और उड़ा देने की मन घड़ंत कहानियां बनाने वाले चैनल आपको ये कभी नहीं बताएंगे कि जिस चीन ने पूरी दुनिया में कोरोना फैलाया उसकी विकास दर +3.2 है, वियतनाम की +0.4% है, ताइवान की -0.6% है, साउथ कोरिया की -2.9% है, इंडोनेशिया की -5.3% है, जापान की -9.9% है, थाईलैंड की -12.2% है, सिंगापुर की -13.2% है, मलेशिया की -17.1% है और हम हैं सबसे नीचे यानी -23.9%। अब कुछ मूर्ख चाहें तो इसकी तुलना पाकिस्तान से भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं अपने देश की तुलना पाकिस्तान से करने में अपने देश का अपमान समझती हूं। खैर, अगर आपकी नौकरी जा चुकी है, आपकी कंपनी बंद हो चुकी है, आप लात मारकर निकाले जा चुके हैं या आपकी कंपनी, रोजगार या व्यापार ठप हो चुका है, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। सरकार ने जो पैकेज कुछ दिन पहले दिया था उससे ब्याज पर पैसा लीजिए और एक कुत्ता पालिए जिसको सुसु पोटी कराने में आपका समय कटता रहेगा और आपके भीतर बेरोजगार होने की हीन भावना नहीं आएगी और आप शांति से नपुंसकों की तरह जीना सीख जाएंगे। क्योंकि अगर आप कर्मशील होते, 2-4 पकौड़े बना रहे होते तो देश -23 का शिकार नहीं होता। मुझे यह भी बताया गया कि इंडियन ब्रीड के डॉग्स भी बहुत अच्छे होते हैं, बहुत सक्षम होते हैं। इंडियन ब्रीड्स में मुधोल हाउंड है, हिमाचली हाउंड है, ये बहुत ही अच्छी नस्लें हैं। राजपलायम, कन्नी, चिप्पी पराई और कोम्बाई भी बहुत शानदार इंडियन ब्रीड्स हैं। इनको पालने में खर्च भी काफी कम आता है और ये भारतीय माहौल में ढले भी होते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर भगवान भरोसे हैं, जो जिम्मेदार थे उनको सांप सूंघ चुका है। भारत को -23 से शून्य तक आने में ही लंबा वक्त लग सकता है, उसके बाद शून्य से भी ऊपर उठना भी आसान नहीं होगा। और अगर देश की जीडीपी बढ़ानी है तो ये भी ट्राई कर सकते हैं, रोजगार का 100% सफलतम उपाय है। लाख दुखों की एक दवाई है गाय, कोरोना हो जाए गोबर लगा लो, मूत्र पी लो और रोजगार चाहिए तो भी यही सर्वोत्तम मार्ग है। हर घर में गाय होना चाहिए तो अपने आप दूध 50 रुपया लीटर है यहाँ, तो एक गाय पाल ले, कोई ग्रेजुएट है, बीए पास है, नौकरी के लिए घूमता रहता 10 साल से, और 10 साल वो गाय पाल लेता तो अपने आप 10 लाख का उसके पास बैंक बैलेंस तैयार हो जाता। आप करिए जो ठीक लगे, लेकिन एक बात बता देती हूँ, कोरोना एक्ट ऑफ गॉड है लेकिन देश की दुर्दशा एक्ट ऑफ सरकार है। किसके कहने पर आपने सुपर फ्लॉप नोटबंदी की, किसके कहने पर आपने रातों रात देश बंद कर दिया, किसके कहने पर आपने महामारी के पीक पर लॉकडाउन हटा लिया। एक झटके में 12 करोड़ लोग सड़क पर आ गए, सिर्फ 10,000 केस थे तब, अब 33 लाख है तो लॉकडाउन हटा लिया। केवल खेती ने देश को बचा रखा है जिसकी दर 3 है, बाकी सब -30 से -50 है। मोर रचाइए, कुत्ता पालिए, गाय पालिए, क्योंकि अब यही आपको विश्वगुरु बनाएगा। चलती हूँ, राम राम।